एशिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा और वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज हम बात करेंगे अग्निवीर जवानों की रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली नौकरी के बारे में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है कि देश के संस्थानों में जरूरत के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद नौकरी दी जाएगी। इसी कड़ी में योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सीएम योगी ने अपने ट्वीट हैंडल पर दरअसल इसकी जानकारी देते हुए एक वीडियो भी साझा किया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश में आरक्षण दिए जाने की बात कही। सुनिए सीएम धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, फिर इस विषय पर करेंगे चर्चा। के साथ इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ सके, अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी दिशा से आगे बढ़ाई गई है। युवाओं के मन में एक उत्साह है, 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा, अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है, पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अग्निवीरों को हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता देने की जो बात की है, और निश्चित रूप से वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और राज्य के अंदर भी हम जो हमारे अग्निवीर अपनी सेवा के बाद आएंगे, सभी अग्निवीरों को हम आरक्षण भी देंगे और जिन जिन विभागों में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं उन सब में हम सेवाएं लेंगे। है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अब इस पूरे विवाद, क्योंकि 2023 में जब केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना को लागू करने की बात कही गई थी और उसी दिन से विपक्ष को एक तरीके से मुद्दा मिल गया। विपक्ष इसको लेकर ये कह रहा है कि आप सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उन्हें मजबूती देने का काम नहीं कर रहे। तो देखिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। संजय श्रीवास्तव देहरादून से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और अतुल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल भदौरिया जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरुआत अमलेंद्र जी के साथ करना चाहूंगी। अमलेंद्र जी, क्योंकि हम लगातार इस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना के बारे में बात कर रहे हैं, अब एक एक कर चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या फिर अब उत्तर प्रदेश की बारी हो, इन तीन राज्यों में लगातार इस अब आरक्षण दिए जाने की बात कही जा रही है। क्या लगता है, क्या क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप मजबूत नहीं, आप तो बेबस कर रहे हैं सेना को, आप तो सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और सत्ता आते ही हम तो 24 घंटे के अंदर इसे रद्द करेंगे, उनका ट्वीट भी आया था सामने। जी देखिए, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि इस तरह जो राजनीति जिस लेवल की हो रही है, उस लेवल की राजनीति से लेकर के युवाओं को अगर रोजगार देने से लेकर के अगर एक प्रशिक्षण की बात है, वेतन प्रशिक्षण, इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो भविष्य की एक लॉन्ग टाइम की ये योजना है। और कई कंट्रियों में आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें डिफेंस के ट्रेनिंग को लेकर के चीजें चलती रही है और उनको कुछ एक लिमिट टाइम तक वहाँ पे नौकरी भी दी जाती है और नौकरी के बाद फिर उनको रोजगार के अन्य माध्यमों में अगर वो कहीं और जाना चाहते हैं तो उनको रोजगार के लिए अन्य माध्यमों की छूट मिलती है।
सबसे बड़ी चीज ये है कि प्राथमिकता तो है कि आप जो है रोजगार तो पाइए, पहली प्राथमिकता तो यहाँ पे गवर्नमेंट रोजगार की। दूसरी प्राथमिकता यह है कि भविष्य में अगर कहीं सेना में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है और कमी आती है, कोई विश्वयुद्ध होता है, कोई बड़े लेवल की चीज होती है, तो उसमें अगर युवा ट्रेंड हैं और जो भी लोग हैं इस तरह के चीजें, तो इनको आसानी से वहां जाने के लिए जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इनको मौका दिया जाएगा। ये हर कंट्री की जो है एक अपनी एक भूत वो होती है, रणनीति होती है। और रही बात यहाँ पे चुनाव से, तो चुनाव के पहले जो चीजें थी और चुनाव के बाद जो चीजें क्लियर आई हैं, उसमें अब ये अंतर खुल करके आ गया है कि जो नौकरी में परसेंटेज छूट की है। ये चार स्टेट ऐसे हैं जो अभी तक दे चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड भी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो परसेंटेज छूट की बात की जा रही है, वो 10% की छूट की बात की जा रही है। और उसके साथ साथ एक टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उस टेस्ट के हिसाब से आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड से लेकर के आपकी जो नौकरी पीरियड की जो एक होता है उसका रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगर आपको देखा जाएगा कि आप इसमें जो आपका नंबर गेम बहुत अच्छा है, तो नंबर गेम के आधार पर भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी, उसमें भी आपको जो है मेरिट लिस्ट में स्थान दी जाएगी। और रही बात अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कंटिन्यूटी के रूप में आपको सेना उस पे आपको भर्ती भर्ती कर लेगी और आपका एक पे स्केल भी बढ़ा दिया जाएगा। दो चीजें एक क्लियर हो जाती हैं। और उसके बाद आप जो ये मानते, लोगों के दिमाग में ये भ्रम जो विपक्ष ने फैला दिया था कि आपको जो नौकरी ये परमानेंट नहीं रखेंगे, तो उसको इस बार गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आपको नौकरी में रखा जाएगा, लेकिन अगर आप एक अच्छे हैं और आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, तो आप सेना को हमेशा ये मान के चलिए कि वेल रोटेटेड संस्थान है सेना। और ये ऐसी चीज होती है कि यहाँ पर लोगों को जो है ये दिमाग में होता है कि डिसिप्लिन जो होती है सेना का बहुत टाइट होता है, डिसिप्लिन और सारी चीजों के हिसाब से अगर आप वहाँ पे खड़े उतरते हैं, तो जैसे आप सेना में भर्ती हो जाते हैं तो डिसिप्लिन फॉलो करना और सारी चीजें जो रेगुलरिटी होती है वो आदमी के दिमाग में भर जाता है कि नहीं हमें इसको फॉलो ही करना है। अग्निवीर के जो बच्चे हैं, अभी कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, तो उनके दिमाग में अभी भी कई तरीके की मतलब जो है एक कंफ्यूजन है कि हम जब 5 साल बाद रिटायर होंगे, हमें 5 साल बाद निकाल दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे और उसके बाद हमारा भविष्य क्या होगा। तो इस तरह की जो चीजें वो की स्थिति है, उसको क्लियर कर दिया है योगी गवर्नमेंट ने कि आपको अगर आप कहीं फॉर्म भरते हैं, कहीं आपको नौकरी की आवश्यकता पड़ती है, वहां भी आपको छूट मिलेगी। और कुछ ऐसे संस्थान हैं जो आपको हैंड टू हैंड उठा के रख लेंगे, जैसे सेना के लोग हैं उनको जब रिटायर होते हैं तो उनको भी बहुत ऐसे संस्थान हैं, उनको हैंड टू हैंड नौकरी मिल जाती है और अच्छे पैसे भी मिलती है। और एक ग्रुप यानी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपके नंबर्स अच्छे हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी अग्निवीर के बाद मिलेगी, अगर आप अग्निवीर से रिटायर होते हैं। ठीक है अतुल जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अतुल जी, आप एक तरीके से इसे मान लिया जाए कि रिफॉर्म करने के बाद, क्योंकि आरक्षण के बाद पहले तो एड ऑन नहीं की गई थी, पहले तो ये कहा गया था कि हम सेना को युवा बना रहे हैं, उसे मजबूत करने के उद्देश्य के साथ अग्निवीर, और उसके बाद 5 साल बाद क्या होगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब रिफॉर्म किया जा रहा है कि भाई आपको अलग अलग संस्थानों में और अलग अलग विभागों में आरक्षण दिया जाएगा, तो क्या ये विपक्ष के लिए एक जवाब के तौर पर इसे माना जा सकता है कि सरकार का जवाब है ये विपक्ष को, जो सरकार को लेकर घेराव कर रहा था, योजना को लेकर घेराव कर रहा था विपक्ष? देखिए अग्निवीर योजना को लेकर लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना, तो कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें रिफॉर्म किया और आरक्षण देने की बात की। अब जो जो भाजपा शासित राज्य है वो चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं, वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। हमारी धामी सरकार ने तो एक कदम और आगे जाके काम किया है, इन्होंने कहा है कि हम समूह गांव और समूह गांव की नौकरियों में भी आरक्षण देंगे इनको, जिलाधिकारी के अधीन जो सीधे पद आते हैं वो, और अन्य विभागों में जो समूह गांव और घा के मतलब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद है उनमें भी आरक्षण देंगे। तो धामी सरकार तो एक कदम और आगे बढ़ गई, यूपी सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं रेजिडेंट एडिटर के तौर पर। संजय श्रीवास्तव जी, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराखंड में इस बात का कहना कि आरक्षण दिया जाएगा, कितना प्रभाव पड़ेगा अग्निवीरों पर, या जो चाहना चाहते हैं अग्निवीर योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट होगा? संतुष्टि होगी अब उनको कि चलिए अब रिटायरमेंट के बाद भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक मौका है? देखिए मनीषा, आज ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई योजना आ रही है तो उस योजना को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। उत्तराखंड एक पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी बाहुल्य राज्य है। यहाँ पे जब आप सड़कों पे निकलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि सड़कों पे बच्चे फौज में जाने की तैयारी करते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल बच्चे फौज सड़कों पे भागते हुए नजर आते हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पे हर घर का बच्चा फौज में जाना उसकी प्राथमिकता होती है और फौज में है भी। इन सबको देखते हुए जब आप अग्निवीर योजना लाते हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगा विपक्ष विरोध के लिए विरोध कर रहा है। अगर वो विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा है तो सही सुझाव दी, और अगर उस सुझाव पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो सरकार दोषी है। अब योगी सरकार ने जो निर्णय लिया अपनी विवेक से लिया, धामी सरकार ने जो निर्णय लिया अपने विवेक से लिया, राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से लिया। लेकिन अगर कायदे से योजना की समीक्षा की जाए तो मनीषा आप ये मान के चलो कि भविष्य में इस योजना का फायदा लिया जा सकता है। थोड़े से परिवर्तन की जरूरत है, सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग सुझाव दो, थोड़े से चेंज में अगर इसमें चीजों में परिवर्तन आ गया तो इन फ्यूचर रशिया की मैं बात करता हूं, जैसे अभी हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ सिंह साहब कह रहे थे वहां पे बच्चों को, हर बच्चों को फौज में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। रवि किशन ने भी अभी यही बोला कि हम हर एक जरूरत पड़ने पर हर एक हमारा जो युवा है वो बंदूक उठा सके, जवाब दे सके, चलाना आना चाहिए, यही इसका मकसद है। लेकिन लेकिन क्या विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ने ऐसा प्रदर्शित किया, मैं किसी को विरोध नहीं कर रहा हूँ, कि आपको सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाएगा। अरे भैया सिक्योरिटी गार्ड के लेवल में जो आएगा उसको बनाया जाएगा ना, जो आदमी फौज में ऊंचे लेवल पे जा सकता है, जिसने अच्छा काम किया है, जो पढ़ा लिखा है, उसको फौज में वह जगह मिलेगी। आप विपक्ष को समझने की जरूरत है कि आप कोई योजना आई है उस योजना के लिए अपने सार्थक सुझाव दीजिए, और उस सुझाव पे अगर सत्ता पक्ष अमल नहीं करता तो आपको सदन से लेके सड़क तक विरोध करने का अधिकार है, आप कीजिए ना। आप क्यों लोगों को बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं? एक अपॉर्चुनिटी खुली है, उस अपॉर्चुनिटी को जो बच्चे सीमित दायरे में फौज में जाते थे, आज उनके लिए बड़ा रास्ता खुला है, और उस रास्ते का हमारी समझ से सुझाव के साथ इन विपक्ष के लोगों को स्वागत करना चाहिए। मनीषा अच्छा ठीक है, अमलिंदु जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। अमलिंदु जी एक बात समझने वाली है कि एक टाइम पीरियड होगा कि आप 4 या 5 साल अग्निवीर योजना के साथ जुड़ेंगे, आप अच्छे तरीके से ट्रेंड होंगे, उसके बाद आप बाहर आएंगे, रिटायर होंगे, फिर आप अलग अलग संस्थानों में BSF में, PAC में, पुलिस में, CISF में या फिर अन्य CRPF में, अन्य विभागों में, अन्य डिफेंस अमले के साथ आप जुड़ेंगे और वहाँ पर आप अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन फिर ये तो साइकिल चलती रहेगी ना, आप रिटायर होते रहेंगे, लेकिन क्या जो आगे जा रहे हैं उनके लिए भी फिर एक समय अवधि रहेगी कि आप BSF में अगर गए तो वहां पर भी आपके लिए एक समय अवधि है? देखिए सबसे बड़ी चीज देखिए एक जो मिसकम्युनिकेशन है रिटायरमेंट का, ये रिटायरमेंट जो दिमाग में है विपक्ष ने इसको ऐसा घोल दिया है लोगों के दिमाग में कि इनको जो है सेना की जगह इनको जो है गार्ड की नौकरी मिलेगी, लोकल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, बाउंसर की नौकरी करेंगे। बाउंसर की नौकरी आज भी लोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड में लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सेना से रिटायर है तभी कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो सेना से रिटायर्ड आते हैं वो टीम को लीड करते हैं, प्रशिक्षण केंद्र खोलते हैं, वो आकर के यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी का जो भी एजेंसियां बना रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू वो प्रशिक्षण केंद्र खोल करके उनको प्रशिक्षित कर करके और खुद वो जो है एक पे स्केल, अच्छा पे स्केल रख करके लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये जो भ्रम है इसको दूर करने के लिए अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ये ओछी राजनीति हुई, इस राजनीति से पार्टियों को निकलना चाहिए। रीजन क्या है कि आप देखिए जैसे ये अभी छोटा सा उदाहरण इन्होंने दिया है कि कह रहे हैं कि लोगों को जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। आप ये बताइए कि जब कल्याण सिंह के समय में जब शिक्षा का स्तर इस तरह का था कि आप जो है इतनी मतलब एजुकेशन लाइन और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा इतनी हार्ड कर दी गई थी कि परसेंटेज बहुत कम है, उसी आधार पर मुलायम सिंह यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं कि जो नकल विहीन परीक्षाएं होती थी, नकल विहीन परीक्षाएं उसके पहले होती थी, उसको कल्याण सिंह के गवर्नमेंट में खत्म कर दिया गया, एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि स्कूल पे नकल नहीं होगा, चाहे कोई फेल हो या पास हो या फिर किसी लेवल का कोई किसी का नेता का लड़का हो चाहे किसी प्रधानाचार्य का लड़का हो, अगर नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए सजा थी, उसके लिए विद्यालय की मान्यता तक रद्द हो जाती थी। तो उसके उस दौरान में जो बच्चे फेल हुए उस दौरान में वो भी आज कहीं अच्छी जगह पर पोस्टेड हैं। मनीषा
ये मतलब एक सोचने की बात है। अगर आप फेल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। वही कंडीशन जब मुलायम सिंह यादव दोबारा आते हैं तो इन्होंने बोल दिया कि मैं हर विद्यालय पे नकल कराऊंगा, सबको पास कराऊंगा और ये जो नकल विहीन परीक्षा में जो है को है इसको मैं भंग करता हूँ, और एक झटके से इनको बहुमत मिलती है और आगे बढ़ते हैं। उसके देखिए अब ये मतलब एक जो चैन पुलिंग है, उस चैन पुलिंग में अगली गवर्नमेंट जब आती है तो वो क्या करते हैं कि एजुकेशन मेरिट के आधार पर एक निकालते हैं भर्ती एजुकेशन विभाग में। उसमें क्या होता है कि नकल विहीन जो टीचर होते हैं मेरिट के आधार पर वो टीचर बन जाते हैं, और जो नकल किए रहते हैं वो मेरिट के आधार पे वो उनसे टॉप पे आते हैं। पढ़ाई का लेवल वहां पे आप खुद सोच सकते हो कि क्या होगा, जो नकल से पास हुआ वो कैसे पढ़ाएगा, जो बिना नकल का पास हुआ है, जो पढ़ाई के दम पे पास हुआ है वो कैसे पढ़ा सकता है। आप क्वालिटी सुधार नहीं कर सकते हो राजनीति के चक्कर में फंस करके, आप लोगों को युवाओं को बंगला रहे हो, युवाओं को आप। अच्छा, लेकिन अभी अखिलेश यादव तो इसको एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना लोगों के बीच में, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे आते तो हम तो 24 घंटे के अंदर से रद्द कर देंगे। मनीषा, अखिलेश यादव हमेशा जो है अच्छी चीजों का बुराई के माध्यम से प्रदर्शित करके लोगों को दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं। वही चीज इन्होंने इसके पहले जो है इलेक्शन के पहले उन्होंने प्रदर्शित किया। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, आप लॉ एंड ऑर्डर में कहा आपका लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा था कि अभी इलेक्शन में ही दिख रहा था झंडे लेकर के इनके कार्यकर्ता सड़क पे उतर रहे थे, उसी चीजों की वजह से इनकी सीटें कुछ कम हुई थी चौथे और पांचवे छठवें फेस में। और आप अच्छा, मैं एक सवाल ले लेती हूँ अतुल जी से, फिर उसी सवाल पर मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। मेरा सवाल अतुल जी से ये है कि अतुल जी, क्योंकि इस योजना की हम बात कर रहे हैं लगातार, अब सरकार एक एक कर रिफॉर्म एड ऑन कर रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर यही जानकारी या यही स्पष्टीकरण या यही जस्टिफिकेशन अगर 2023 में जब इसे लागू किया गया था केंद्र के द्वारा अग्निवीर योजना को, अगर तभी से इंट्रोड्यूस करा दिया गया होता तो विपक्ष को इतना मुद्दा नहीं मिलता या लोगों के बीच में इतना कंफ्यूजन नहीं होता अग्निवीर योजना को लेकर कि चलिए ठीक है अब हम सेफ है, अब इसके बाद एड ऑन अब कर किया जा रहा है, वो 2023 में भी कर सकते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीषा जी, अगर ये पहले ही हो जाता तो इतनी समस्या खड़ी नहीं होती। और अब जो आरक्षण की बात कर रहे हैं और राज्य सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उसमें भी एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, उसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इनको इनका रिटायरमेंट कब देंगे आप, इनको कितने साल की नौकरी देंगे, अभी भी ये क्लियर नहीं है। आप नौकरी देने की बात तो कर रहे हैं, यही सवाल एक साल मेरा था, देंगे, दो साल से देंगे या 60 साल से देंगे, ये भी आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यही मेरा अतुल जी सवाल था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर भी बन गया ना कि आप एक साइकिल योजना को लेकर तो कर रहे हैं, आप अग्निवीर योजना में 4 या 5 साल की आपकी एक टाइम पीरियड है, आपका एक लिमिट है, वहां पर आप साइकिल करते रहेंगे, हर 5 साल बाद नए युवा आएंगे, हर 5 साल 4 साल बाद नए युवा आएंगे, लेकिन जो वो आगे जा रहे हैं वो कितने साल तक रहेंगे, यही मेरा सवाल भी यही था। इस चीज में अभी इस चीज को और क्लियर करने की जरूरत है, जिन लोगों को आप री एम्प्लॉयमेंट देंगे अग्निवीर लोगों को, उनको कितनी साल की नौकरी देंगे आप, कितने साल की नौकरी देंगे, उनको रिटायरमेंट कब होगा, रिटायरमेंट के दौरान उनको क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये तमाम चीजें साफ नहीं है अभी और इससे फिर डिस्प्यूट होगा। यानी इस पर अभी क्लैरिफिकेशन और बाकी है, यहाँ पर भी अभी दुविधा बनी हुई है। अमलेंद्र जी, दुविधा बनी है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है इसमें, अभी यहाँ पर भी दुविधा है, अभी यहाँ पर भी कंफ्यूजन की स्थिति है। ये एड ऑन किया जा रहा है लेकिन और एड ऑन हो सकते हैं इसमें, कि अभी और कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि आप आगे नौकरियां दे रहे हैं, आगे बीएसएफ में भर्ती करवा रहे हैं, सीआरपीएफ में नौकरियां दे रहे हैं, तो वो कितने टाइम लिमिट के लिए होंगी। बिल्कुल ठीक सवाल है। देखिए मनीषा, मैं इसमें रोकना चाहता हूँ, जब भी कोई परमानेंट भर्तियां होंगी तो उसके लिए टाइम पीरियड नहीं होता। जैसे अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि जो आगे भर्तियां होंगी वो कितनी होंगी, आगे की जो भर्तियां हैं वो अग्निवीर के आधार पे नहीं है, अग्निवीर से जो निकला हुआ युवा है अगर वो बीएसएफ की भर्ती में शामिल होता है तो उसको 10% की छूट मिलेगी, वो उसकी परमानेंट नौकरी है। पीएससी में मिलता है तो उसको 10% की छूट मिलती है, वो उसका परमानेंट नौकरी है। लेकिन जो अभी सर कह रहे थे कि कंफ्यूजन जो है अग्निवीर के, तो ये अग्निवीर का जो कंफ्यूजन है अभी उस पर केंद्रित है लोग, कि अग्निवीर का कंफ्यूजन कितना है कि कितने टाइम पीरियड तक आपको यहाँ नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आपका रिटायरमेंट है। तो इसका लबो लुभाव यह है कि 5 ईयर की आपकी नौकरी है अग्निवीर की, 5 ईयर के बाद वो अगर आपका आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है
तो आगे आपको ये परमानेंट नौकरी का ऑफर गवर्नमेंट देती है कि आप इसमें परमानेंट आगे काम कर सकते हो। रही बात वहां से जब आपका न्यू जनरेशन की जब भर्तियां हो रही है तो ये परसेंटेज है कि एक साल में जैसे वैकेंसी अगर सेना की खाली होती है, सपोज दैट 20 वैकेंसी खाली है, तो 20 वैकेंसी में ये कर क्या रहे हैं कि उसमें से 10 वैकेंसी के लिए आपको ओपन करेंगे, बाकी जो है सीधी भर्तियों पे अब रोक खत्म हो जाएगी। इसमें आप डायरेक्ट अग्निवीर के जरिए ही आप उसमें जाओगे। 10% की अगर आपकी भर्ती निकलती है तो 10% अग्निवीर से रखे जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो 5 साल का जो साइकिल है, 5 साल में ये जो इनका 40% की भर्तियां पूरी टोटल खाली हो रही हैं, ये एक बैकअप लेके चल रहे हैं कि 4 साल में 10-10% करके हम फील करेंगे। उसके बाद जो रिटायरमेंट हो रहे हैं और जो जिनको हम रिटायर पुराने लोगों को कर दे रहे हैं, उनकी जो जनरेट हो रही है वैकेंसियां, उसको भी इसमें क्रिएट करना है। तो इनका एक चैन पुलिंग बन चुका है कि हम जो है 10% को नौकरी देंगे, फिर अगले साल हम इसको भर्ती करेंगे, फिर 10% को देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके जो इनकी जो एक भर्तियों का एक जो एक वो है लिमिट है, वो भी इनकी पूरी हो जाएगी। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, आप जो 10% से बाकी के बचे फिर उनके लिए क्या, क्योंकि भाई मेहनत तो उन्होंने भी उतनी की। हाँ लेकिन हाँ, मेरिट के आधार पर या स्कोर के आधार पर हो सकता है कि आप 10% आरक्षण दे दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो इतने सारी संख्या में जो अग्निवीर बनकर तैयार होंगे उनका क्या? मनीषा मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दूं, उससे पहले उत्तराखंड की एक योजना है उसके विषय में बताऊंगा, क्योंकि उससे इन लोगों को सीख लेना चाहिए। जब राज्य बना तो राज्य बनने के बाद यहाँ जो सरकारें आई उसमें एक बात उठी, वह बात उठी कि यह हर घर में एक फौजी आदमी है और जो रिटायर्ड फौजी है उनके बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई, पहले उसका नाम था उपसुल, फिर उसका रखा गया उपनल। उसके माध्यम से उसको एजेंसी के रूप में समझिएगा, उसको एजेंसी के रूप में इन्होंने यूज किया। उसके माध्यम से आज आप सचिवालय, विधानसभा, हर डिपार्टमेंट में आप पाओगे कि उसके माध्यम से, उस एजेंसी के माध्यम से लोग, फौजियों के परिवार के बच्चे तो इन सरकारी नौकरियों में है। उससे सीख लेना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप किसी का फायदा करना चाहते हो, आप किसी के लिए उम्मीद बनना चाहते हो, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। आपकी योजना में ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी तो इसी तरह से मुद्दे बनते रहेंगे और डिबेट होती रहेगी। अब आपने बात की 10% की, ये हकीकत है कि जो 10% उन्होंने आरक्षण की बात की है, वह 10% भाई हर आदमी की लिमिट है ना, 100% को आप कैसे